हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कत्ल केस का मुलजिम लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश, 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, वालदैन हुकाम की सुस्ती पर अफसरदा, कसूर पुलिस सबसे ज्यादा कसूरवार करार। एक मुजरिम पकड़ लेते तो आगे लाइबा है, वो ईमान फातिमा है, नूर फातिमा है, ये सब ऐसे ना आती और ना उसके पास जैनब की बारी आती। ये सीरियल किलर किसकी वजह से है, किन की वजह से है? इन लोगों ने छूट दे रखी थी उसको। एक के बाद एक रूप, दरिंदे का रचाया गया हर खेल बेसूद। मुल्जिम इमरान की गिरफ्तारी जैकेट पर लगे दो बटन देखकर हुई। चीफ मिनिस्टर कहता तालियां बजाओ और बच्चियों वाला शख्स अपनी बच्ची के ऊपर तालियां बजवाएगा, उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसमें तालियां बजवाएगा। जैनब के कातिल की गिरफ्तारी पर तालियां बजाना शर्मनाक, खुर्शीद शाह बरस पड़े, शहबाज शरीफ से माफी मांगने का मुतालबा, बड़ी कामयाबी पर हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाई, राणा सनाउल्लाह की वजाहत। कराची के इलाके केमाड़ी में 13 साल लड़के से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, DIG साउथ से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। राव अनवार के लिए हथकड़ी तैयार, पूरी टीम समेत गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील, मोबाइल डेटा हासिल किया जाने लगा। मुबैना जाली मुकाबले में हलाक दूसरे नौजवान, नजर जान के वर्सा मैयत लेने पहुंच गए। मुत्तहिदा वक्त की सोहराब गोट जिरगा कैंप आमद, 60,000 कमाने वाला करोड़पति कैसे बन गया? कराची में पुलिस अफसरान के असासे चेक किए जाएं, फैसल सब्जवारी का मुतालबा। कराची में इंतजार कत्ल केस की तहकीकात, गिरफ्तार अहलकारों का बयान रिकॉर्ड, SSP मुकद्दस हैदर की भी तलबी, वर्सा की ख्वाहिश पर मदीहा कियानी और सुलेमान को भी बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हवा चल पड़ी, अपोजिशन जमातें वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक, हुकूमत में न रहे तो अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे, मुश्ताक गनी का रद्द अमल। इमरान खान को सियासत का इल्म नहीं, मुशर्रफ और जरदारी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, नजरिया जरूरत के तहत फैसले करने वाले जजेस और आमिरों ने मुल्क को तरक्की नहीं करने दी, साद रफीक का कोहाट में खिताब। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको, आज हाजिर सर्वी दो कल रिटायर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन कल दे देंगे हम। तौहीन अदालत केस, निहाल हाशमी ने गैर मशरूत माफी मांग ली, आप तो जमीन तंग करने लगे थे, लगता है शोले ज्यादा ही निकल गए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रहमान। इस्तीफा ना आया, बीमारी आ गई, शेख रशीद के अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ताहिर कादरी को सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की फिक्र लग गई, फोन पर खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। अदालती हुक्म पर जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात, नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब यूनिवर्सिटी में दो रोज बाद हालात मामूल पर, हॉस्टल्स में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5 अफराद गिरफ्तार, हंगामा करने वाले 196 तलबा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अफगान शहर जलालाबाद में गैर मुल्की एनजीओ के ऑफिस पर खुदकुश हमला और फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत दो अफराद हलाक, कई जख्मी। नस्ल परस्ती पर जिल्लत आमेज रवैये का सामना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत से पहले स्विट्जरलैंड में हजारों अफराद सड़कों पर, कई शहरों में एहतजाज, मुश्तइल अफराद की तोड़फोड़। सबसे पहले कराची से खबर शामिल करते हैं। इंतजार कत्ल केस में नया मोड़ आ गया है। इंतजार की लैला नामी लड़की से दोस्ती थी। लैला पहले से किसी आला पुलिस अफसर और सियासी शख्सियत की दोस्त भी थी। मदीहा कयानी ने दो बार इंतजार को लैला से दूर रहने का मशवरा दिया। मदीहा को इंतजार के पास पुलिस अफसर ने खास पैगाम देकर भेजा था। इंतजार ने लैला के साथ दोस्ती छोड़ने से इनकार किया था। जरा के मुताबिक डिफेंस के क्लब में इंतजार, लैला और मदीहा को आइस पीते भी देखा गया है। इंतजार मलेशिया से कराची भी लैला के कहने पर आया था। इंतजार कत्ल केस में नया मोड़ आया है। इब्तदाई तौर पर जो बातें सामने आ रही थी वो गलत साबित हुई और ये जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम हो रहा है। सीटीडी तफ्तीशी टीम ने लैला की तलाश शुरू कर दी है। सीटीडी जरा के मुताबिक इंतजार के मोबाइल डेटा रिकॉर्ड से तमाम सूरत हाल सामने आ जाएगी। इंतजार की लैला नामी लड़की से दोस्ती थी और लैला पहले से किसी आला पुलिस अफसर और सियासी शख्सियत की दोस्त थी। जी हाँ, इंतजार कत्ल केस में यह नया मोड़ सामने आ चुका है। इंतजार की लैला नामी लड़की से दोस्ती थी। लैला पहले से किसी आला पुलिस अफसर और सियासी शख्सियत की दोस्त थी। मदीहा कयानी जो खातून उस गाड़ी में मौजूद थी जब यह वारदात हुई, उसने दो बार इंतजार को लैला से दूर रहने का मशवरा भी दिया था। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक सरकी से। मुश्ताक, ये तो कोई और ही कहानी सामने आ रही है। बिल्कुल जो ये तफ्तीश सीटीडी को मुंतकिल हुई तो नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मुझे जराए ने बताया कि मदीहा चूंकि 10 रोज पहले कत्ल से इसकी दोस्त बनी थी इंतजार की, लेकिन असल कहानी कुछ और है। 4 साल तक एक लैला नामी लड़की है जो एक आला पुलिस अफसर और एक सियासी शख्सियत की करीबी दोस्त रही है, बल्कि उनसे उनके अफेयर्स भी बताए जाते हैं, लेकिन लैला ने दोस्ती की थी नई नई इंतजार से और उसके बाद इनकी चंद मुलाकातें भी हुई और बकौल उसके करीबी जराए के इंतजार के जो करीबी दोस्त थे उनके मुताबिक लैला के कहने पर मलेशिया से इंतजार कराची आया था। जब ये मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया तो उन दो जो पुलिस अफसर और सियासी शख्सियत थे उनको ये नागुजीर चीज गुजरी और लैला को तो मना नहीं कर सके मिलने से, लेकिन इंतजार के ऊपर असर उसको चलाने की कोशिश की। मुश्ताक, लैला का कुछ पता चल सका? लैला का ताल्लुक कहां से है और इसके बारे में मजीद कुछ जानकारी हासिल हो सकी? जी, लैला की तलाश अब शुरू हो चुकी है। लैला के बारे में ये बताया जाता है कि लैला कराची के पोश इलाके की एक नामर लड़की है जिसके मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अफसरान के साथ मुख्तलिफ बिग शॉट्स के साथ अफेयर सामने आते रहे। अब लैला कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ मिलेगी, ये सीटीडी मालूम कर रही है। और मजीद ये कि डेटा जो है कॉल रिकॉर्ड डेटा इंतजार का उसको लिया जा रहा है और 9 रोज जो गुजरे इस तफ्तीश को खराब करने में ये दानिश्ता तौर पर तफ्तीश खराब की गई। सीटीडी अब इन्वॉल्व हो चुकी है। सीटीडी को उम्मीद है कि इसमें कई बड़े नाम भी सामने आएंगे और लैला भी कानून की गिरफ्त में जल्द अज जल्द आ जाएगी। जी तो मुश्ताक सर की ये भी बताया गया है कि इंतजार, लैला और मदीहा कुछ ड्रग्स भी यूज करते थे, कुछ ड्रग्स भी इसमें इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, इंतजार के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो दोस्तियां थी वो कराची के उन्हीं बर्गर और पोश इलाकों के लड़कों से थी जो इस किस्म की हरकतों में मुलविस पाए गए। मैं आपको बताऊं कि ड्रग और आइस का इस्तेमाल कराची के डिफेंस और क्लिफ्टन में आम नशा समझा जाता है, बल्कि एक हॉबी के तौर पर इंटरटेन किया जाता है लड़कों को। और एक क्लब है डिफेंस का जहाँ पर बताया जाता है उसके करीबी दोस्तों के जरिए कि इंतजार, मदीहा और लैला को एक क्लब में कत्ल से चंद रोज कब
आइस और क्रिस्टल पीते देखा गया है, डांस करते देखा गया है, और एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पर ये मुसलसल डेटिंग यानी अपनी दोस्ती वाली मुलाकात भी करते थे। अब जू ये तफ्तीश आगे बढ़े तो नए नए इंकशाफात, नई नई चीजें। अच्छा मुश्ताक ये बताइएगा कि वो पुलिस अफसरान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि लैला पहले उनकी दोस्त थी, तो उनके बारे में कुछ क्लू मिल सका, कौन थे वो आला पुलिस अफसरान और सियासी शख्सियत? जी अब उनका नाम फिलहाल तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आज जो एसएसपी पेश हुआ है डीपीडी के पास बयान देने के लिए, एक शुबा उनके ऊपर जाता है, लेकिन एक जो बासर शख्सियत है उसका ताल्लुक भी सूबाई हुकूमत सिंध से बताया जाता है, और लैला मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों को घेरती रही है, ये कहना है तफ्तीशी ज़राए का। और वो आम लड़की नहीं, बड़ी शातिर कही जाती है, जो इस वक्त तक तमाम सूरतयाल से पीछे रही और छुपती रही, लेकिन जो ही सीटीडी के पास वो मोबाइल फोन आया इंतजार का या डेटा निकाली जा रही है, उसमें ये नई चीजें सामने आई हैं। और दो वॉलंटियर्स बताए जाते हैं जो रजाकारा तौर पर सीटीडी को और दीगर जो तफ्तीशी हुकाम है उनसे उन्होंने मालूम शेयर की है, जिसके बाद दुनिया टीवी से ये अहम मालूमात शेयर की गई जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा। अच्छा मुश्ताक इंतजार के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो पहले मलेशिया में मुकीम था और उसके बाद लैला के कहने पर कराची आया था। जी ना सिर्फ लैला के कहने पर कराची आया था बल्कि लैला भी उनसे दो बार मिलने मलेशिया गई थी, ये कहना है तफ्तीशी ज़राए का। और लैला कौन है, लैला कहाँ रहती है, ये आइंदा 72 घंटे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लैला को स्क्रीन पर लाया जाएगा। मदिया जो इस वक्त तक जुबान बंद किए बैठी थी उसने भी बिल आखिर अपनी जुबान खोल दी, क्योंकि मदिया के मुतालिक भी तरह तरह की खबरें चल रही थी कि मदिया का अफेयर है किससे, इससे इंतजार से, लेकिन मदिया ने चुपका रोजा तोड़ दिया है। मदिया ने न सिर्फ चुपका रोजा तोड़ा है बल्कि उसने अहम इंकशाफात भी किए टेलीफोनिक गुफ्तगू में आला पुलिस हुकाम से। न सिर्फ ये, दो तीन दोस्त भी इंतजार के जो इस कत्ल पर खामोशी तोड़ चुके हैं, उन्होंने बताया कि असल हकायक क्या है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक आपका। और अब आपको बताएं कि इंतजार कत्ल केस से मुतालिक ये बात भी सामने आई है कि साबिक एसएसपी मुकद्दस हैदर ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मुकद्दस हैदर का कहना है कि वो खातून मदीहा कियानी और इंतजार को नहीं जानते हैं। गाड़ी में मौजूद खातून मदीहा कियानी का बयान भी कलम बंद कर लिया गया है। मदीहा ने तफ्तीशी टीम को बताया है कि वो भी मुकद्दस हैदर को नहीं जानती है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नवीद कमाल से। नवीद पहले तो बताइएगा कि ये साबिक एसएसपी मुकद्दस हैदर इस पूरे केस में कैसे इन्वॉल्व हैं और उनका बयान क्यों रिकॉर्ड करवाया गया? जी बिल्कुल, जो इंतजार के वालदेन हैं उन्होंने इल्जाम लगाया था कि मुकद्दस हैदर जो है इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए और ये जो है इनका कोई ताल्लुक है खातून से, जिसके बाद डीआईजी सीटीडी ने उनके तहफुजात दूर करते हुए आज एसएसपी मुकद्दस हैदर और ये जो खातून है इसको यहाँ पर तलब किया। इस खातून का भी बयान लिया गया है, मुकद्दस हैदर को भी लिया गया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ये खातून जो है मुकद्दस हैदर से जो है कभी मिली नहीं, उनका ये कहना था और मुकद्दस हैदर का भी यही कहना है कि उन्होंने इन्हें कभी इससे पहले नहीं देखा। इनके बयान की रोशनी में जो है ये जो है तफ्तीश की जा रही है और मजीद तफ्तीश की जाएगी। जी यानी वालिदैन के शक के बुनियाद पर साबिक एसएसपी को इन्वॉल्व किया गया था इस केस में, इसके अलावा कोई वजह नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मदीहा का बयान इसलिए लिया गया है कि वो आया कि एसएसपी साहब को जानती हैं या नहीं, और मुकद्दस का बयान भी इसलिए लिया गया है कि वो इन खातून को जानते हैं या नहीं, क्योंकि इनके वालदेन ने इस कत्ल को एक साजिश करार दिया था और उनका ये कहना था कि एक साजिश के तहत टारगेट करके जो है इंतजार को कत्ल किया गया। अच्छा नवीद ये बताएगा कि मदीहा की जानिब से जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया गया है उसमें क्या इंतजार की किसी लड़की से दोस्ती का जिक्र किया गया? मदीहा ने जो अब तक बयान रिकॉर्ड कराया है उसका ये कहना है कि 10 से 12 दिन पहले उसकी जो है इससे इंतजार से दोस्ती हुई थी और वो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती और इनका मिलना शुरू हुआ था। इन्होंने बर्गर किंग से जो है बर्गर खरीदा था और उसके बाद जैसे ही ये जो है इस सड़क पर पहुंचे हैं तो पुलिस ने इनको रोका है और रोकने के बाद जो है पुलिस ने इनको जो है जाने का इशारा किया और जैसे ही ये जाने लगे तो सामने से आने मोटरसाइकिल पर सवार जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने फायरिंग कर दी है। फौरी तौर पर मदिया के तो ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये सिविल कपड़ों में पुलिस वाले हैं या कोई टेररिस्ट, लेकिन वो इस बात का अंदाजा इंतजार जो इंतजार है उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं हो सका कि फायरिंग करने वाले और रोकने वाले अपराध
कौन है। मुकद्दस हैदर का नाम लिया जा रहा था जो एसएसपी एसीएलसी हैं, वो इसमें काफी हद तक क्लियर हुए हैं। तहम अब तक हतमी रिपोर्ट सीटीडी ने नहीं दी है और इस हवाले से जो है बयान कलमबंद कराएं और इसी इनके बयान की रोशनी में जो सीटीडी है मजीद तफ्तीश करेगी। अच्छा नवीद ये बताएगा कि तफ्तीशी हुकाम क्या कहते हैं, इब्तदाई तहकीकात किस तरफ इशारा कर रही है, क्या टारगेट करके मारा गया इंतजार को या फिर ये गफलत का नतीजा है? डीआईजी आमिर फारूकी से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना था कि अब तक जो है तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ तफ्तीशी जरा उनका ये कहना है कि ये टारगेट हरगिज नहीं लगता, ये ऐसा लगता है कि अचानक ये वाकया रोनुमा हुआ और ये मुगालते में ही ये कत्ल किया गया, इंतजार का जो कत्ल है ये टारगेट नहीं हो सकता। लेकिन जो डीआईजी सीटीडी आमिर फारूकी हैं जो काफी ईमानदार अफसर हैं उनका ये कहना है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी को भी जो है छोड़ा नहीं जाएगा इसमें और कोई ऐसा पहलू कोई अच्छा, नवीद वो वेपन्स की बात भी सामने आई थी कि प्राइवेट वेपन्स से ये फायरिंग की गई है पुलिस की जानिब से, उस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल वो वेपन जो है इसमें तीन जो वेपन थे वो प्राइवेट ही थे। प्राइवेट वेपन से मुराद ये होती है कि ये पुलिस एहलकार उसका लाइसेंस बनवाते हैं और इनके नाम पर एक अपना जाती वेपन भी होता है। उसमें एक 9mm पिस्टल के बारे में कहा जा रहा था कि ये एसएसपी मुकद्दस हैदर के नाम पर है, लेकिन वो एसएसपी मुकद्दस हैदर के नाम पर नहीं निकला, उसका लेटर जो है सीटीडी ने ले लिया है। ये दो साल पहले 2015 में जो है बिलाल जो फायरिंग। ठीक है नवीद, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात